आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है। इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा, मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी, मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी, मेरी जबान चलेगी तो स्मॉली उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ताक पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूँ। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे, तो चलाने वाले चलाओ। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े।